بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله किस ने चमकता दिन है बशारत सुहानी किस ने दी कोई बता दे दरिया को ऐसी आवानी किस ने दी पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी जो यकता है कुदरत में वो है मेरा अल्लाह शिकम में यूनुस को किसने संभाला पहले आग में डाला तेरे आग को भूल कर डाला उनके नाम के गुण गाते हैं इब्राहिम खलीलुल्लाह
मेरा रूप भी नहीं, मेरा रंग भी नहीं।
नवाजी हुई बे नवाजी है सभी
किसी भी शायर को डाला नहीं है, कब छुड़ाया नहीं हमको गम से मेरा। Yeah.
हाँ जी सच्चे दिल
दल पीर मनिया जी बस जिने सच्चे दिल दल पीर मनिया जिने सच्चे दिल दल पल्ला बड़िया जिने सच्चे दिल दल पल्ला बड़िया बीच मिले तो आका हयात भरती है, हुजूर आप नवाजे तो बात बनती है। अकीदा खत्मे नबुव्वत ये इतना अहम और नाजुक मसला है कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने खत्मे नबुव्वत पर इसकी हिफाजत फरमाई। दीन इस्लाम के काम है नमाज, हज, ज़कात, जिहाद, इनके ना करने से बंदा गुनाहगार है और इनका इनकार कुफर है और गुनाहगार की बख्शिश है। अल्लाह ताला फरमाता है गुनाहगार को मैंने अपनी रहमत और अपने फजल से बख्श दिया है और फरमाया मेरी रहमत भी मेरा नबी है और मेरा फजल भी मेरा नबी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में हजरत हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु बचपन में ही आ गए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी बड़ी परवरिश की, आपसे बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। आप जब गुलामी की उम्र को पहुँचे और उस मोहब्बत की वजह से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आप हुजूर के बेटे हैं, तो अल्लाह ताला को यह बात पसंद ना आई तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की आयत नाज़िल फरमा दी। अल्लाह ताला ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमुन नबियीन व काना अल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीमा। अल्लाह ताला फरमाता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं और वो अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं और अल्लाह वो है जो हर एक इल्म को जानता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे हज़रत शीद अलैहिस्सलाम, वो नबी हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, नबी हुए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो नबी हुए। अल्लाह ताला ने ये हुक्म जारी फरमा दिया और ये कानून बना दिया और नबुव्वत के सारे दरवाजे बंद फरमा दिए और ये कुरान मजीद की आयत नाज़िल फरमाई। फिर अल्लाह ताला फरमाता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा गया या रसूलल्लाह आप किस किसके नबी हैं, तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीया, ए लोगो मैं तुम सब की तरफ से अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ। फिर अल्लाह ताला फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला तमाम जहानों का रब है और अपने नबी के मुताबिक फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, और मेरा नबी मैंने अपने नबी को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो जिस जिसका रब रब्बुल आलमीन है हमारे नबी उसी उसकी जगह के हर कायनात के जर्रे जर्रे के रहमतन लिल आलमीन है। फिर आयत मिसाक में अल्लाह ताला ने फरमाया याद करो वो दिन जब हमने नबियों से अहद लिया था, हमने कहा था कि जब मैं तुमको किताबें और हिकमत अता फरमाऊँ, शरीयतें दूँ और मेरा नबी तुम में तशरीफ लाए तो तुमने मेरे और मेरा महबूब तुम्हारी किताबों की और तुम्हारी नबूवतों की तस्दीक फरमाए तो तुमने ज़रूर ज़रूर इन पर ईमान लाना है और इनकी मदद भी करनी है। और अल्लाह ताला ने फरमाया इस बात पर तुम सब एक दूसरे पर गवाह हो जाओ और तुम सब पर मैं गवाह हूँ। तो सब नबियों ने इकरार किया कि या अल्लाह हाँ हम इकरार करते हैं और तमाम नबियों ने मेरे नबी का कलमा पढ़ा
और वो मेरे नबी के उम्मती बने। उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इससे हमारे नबी की शान भी का भी पता चलता है और हमारे नबी की खत्म नबूवत का भी पता चलता है। और अल्लाह ताला ने फरमाया मेरा नबी जब तुम्हें तशरीफ लाए तो इनकी मदद करनी है, और इससे मदद भी साबित है कि किसी गैर अल्लाह से मदद भी हासिल कर सकते हैं। और वो मदद ये थी कि जब मेरा नबी तुमको कोई काम का हुक्म दे तो आपने वो काम बजा रहना है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया जब मुसलमा कज़ाब ने नबूवत का दावा किया और उसने लोगों को कहना शुरू कर दिया कि मुझ पर वही नाजिल होती है, मैं भी अल्लाह का नबी हूँ, उसने बड़े मुनज़्ज़म तरीके से इस साजिश को कामयाब बनाया और बहुत ज़्यादा लोगों को अपने साथ मिला लिया, तो उसकी मजम्मत में अल्लाह ताला ने फरमाया और वो लोग जो अल्लाह ताला की तरफ बहतान बांधते हैं और वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उनकी तरफ वही नाजिल की, हालांकि अल्लाह ताला ने उनकी तरफ वही नाजिल ना की, और ये वो लोग हैं जो दुनिया में सबसे बड़े झूठे हैं और यही वो लोग हैं जालिम हैं और इनके लिए अनकरीब दर्दनाक अज़ाब है। फिर हज्जतुल विदा के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा बयान फरमाया तो उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का पैगाम दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ लोगो, आज अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल फरमा दिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह ताला का यह हुक्म है, अल्लाह ताला का यह फरमान है कि ऐ लोगो, अल्लाह ताला फरमाता कि आज अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल फरमा दिया है और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद फरमाया है और आज अल्लाह ताला ने तुम पर अपनी नेमत मुकम्मल फरमा दी है। तो दीन क्या है? हमारा दीन मुस्तफ़ा है। नेमत क्या है? नेमतों की जान हमारा नबी है। और शरीयत क्या है? वो मेरे नबी की अदाओं का नाम है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ लोगो, अब मेरे दीन के जो वारिस हैं वो औलिया किराम हैं, उलमा किराम हैं, अब कोई नबी नहीं आएगा। तो जो भी शरीयत आनी थी वो आ चुकी, जो अहकाम आने थे वो आ चुके, अब इसके बाद कोई नबी किसी की ज़रूरत नहीं है। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरे नूर नबूवत को पैदा फरमाया और मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला नबी अबादी अना खातमुन नबीयीन, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगो, मैं मिट्टी के ज़र्रात के बराबर कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो तू होता। और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक फरमाया ऐ अली, तेरी और मेरी किस्मत ऐसे है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की हारून अलैहिस्सलाम के साथ, लेकिन अब कोई नबी नहीं आएगा। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत के एक मिसाल के साथ वादा फरमाया, फरमाया जिस तरह कोई बंदा बहुत खूबसूरत इमारत बनाता है और उसमें एक ईंट की कमी छोड़ देता है, वो खूबसूरत हमारे जितने भी अंबिया किराम आने थे वो आ चुके और जो कमी थी वो मेरी थी, अब मैं आ चुका हूँ, अब ये नबूवत की इमारत मुकम्मल हो चुकी है, अब कोई नबी नहीं आएगा। तो ये कुरान और हदीस से ये साबित है कि हमारा नबी आखिरी नबी है। जिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में 30 के ज्यादा जाल होंगे जो झूठे होंगे जो नबूवत का दावा करेंगे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा किराम ने और हमने इस खत्म नबूवत को कैसे बचाना है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा किराम ने इस खत्म नबूवत को कैसे बचाया है। अब जो दज्जाल साहब आने हैं वो आएंगे, लेकिन अब हमारा जो फर्ज बनता है उसको हमने कैसे निभाना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुसलमा कज़ाब ने जब नबूवत का दावा किया तो उसके पास बहुत ज़्यादा फौज जमा हो गई थी, तो उस तकब्बुर में आकर उसने हुजूर को खत लिखा, उसमें खत लिखा कि या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, आप मेरे साथ मुआहदा फरमा लें कि आधे अरब के आप नबी हैं और आधे अरब का नबी मैं हूँ, या आप ये इरशाद फरमा दें कि आपके मिसाल के बाद लोग मुझे नबी तस्लीम कर लें। तो उस वक़्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खत का जवाब दिया और लिखा आए मुसलमान कज़्ज़ाब, पहली सतह में यह लिखा, दूसरी सतह में लिखा अल्लाह ताला ज़मीन पर जिसको चाहे वारिस बना दे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत लिखा और फरमाया इस खत को कौन लेकर जाएगा। तो उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में सारे सहाबा किराम बैठे थे, एक बूढ़े साहब भी हजरत अबी बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बड़ी
तेजी के साथ खड़े हुए कहते हैं या रसूल अल्लाह ये खत का जवाब मैं लेके जाऊंगा, किसी और की डूनी ना लगाइए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खत हजरत हबीब बिन ज़ैद को दिया, अपना घोड़ा दिया और नेजा मुबारक दिया और थपकी दी और कहा ए हबीब उस मुसलमान के साहब के दरबार में जरा डट कर जाना। तो उस हबीब बिन ज़ैद ने वो खत लिया, वो सीधे मुसलमान के साहब के दरबार में चले गए। वहाँ जाकर उसके दरबार में नेजा गड़ा, सीना ताल कर खड़े हो गए। उसने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं हम अपने सच्चे नबी के गुलाम हैं, हम चेहरों से पहचाने जाते हैं। उसने पूछा तुम कैसे आए हो? उसने कहा कि मैं तेरे खत का जवाब लेके आया हूँ। उसने खत को पकड़ा और अपने दरबारी को कहा इसको पढ़ो। उसने ऊंची आवाज में पढ़ा तो पहली लाइन में लिखा हुआ था मुसलमान कज़्ज़ाब। जब उसने यह सुना तो बहुत ही गुस्से में आ गया और उसने हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुखातब होकर कहा कि तेरे नबी ने तो मुझे कज़्ज़ाब कहा, तेरा क्या ख्याल है? उसने कहा जिसने जो इसको मेरा नबी कज़्ज़ाब कहते वो कज़्ज़ाब ही है, हमारा नबी आखिरी नबी है, तू झूठा है। उसने कहा बाज आ जा, अपना बयान बदले वरना मैं तुझे शहीद कर दूंगा। उसने कहा मुझे किसी बात की फिक्र नहीं, तू कज़्ज़ाब ही है। उसने आपके दोनों बाजू शहीद कर दिए और गर्दन पर तलवार आकर कहता है बाज आ जा वरना मैं तुझे शहीद कर दूंगा। तो हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि हम अपने नबी के गुलाम हैं, हम सुबह को दुआ मांगते हैं फजर की नमाज के बाद या अल्लाह शहादत की मौत देना, और रात को बिस्तर पर सोने से पहले दुआ करते हैं या अल्लाह बिस्तर पर मौत ना देना, शहादत की मौत देना। और शहादत क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मिलकर जाने का नाम शहादत है। तो उसने आपको शहीद कर दिया। उधर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या हुआ? तो हजूर ने फरमाया मेरे हबीब बिन ज़ैद को शहीद कर दिया गया है, और साथ ही फरमाया अल्लाह ताला ने तमाम रहमतों के दरवाजे मेरे हबीब के लिए खोल दिए हैं। ये है अजर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर पहरा देने वालों का, हिफाजत फरमाने वालों का। उधर यमन में एक बादशाह था असमद अंसा, उसने नबी होने का दावा कर दिया और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से उसने अपने इस साजिश को कामयाब करने की कोशिश की। उधर एक काफी रसूल हजरत अबू मुस्लिम खलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रहते थे, जब उनको पता चला तो उन्होंने आपका मुकाबला किया। उस बादशाह को पता चला तो उसने अपने सिपाहियों को बोला कि इसको पकड़ कर लाओ। वो हजरत अबू मुस्लिम खलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह को पकड़ कर ले आए। तो बादशाह ने कहा तू गवाही दे कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। तो हजरत अबू मुस्लिम खलानी रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं मैंने सुना ही नहीं। उसने तीन बार कहा, आपने कहा मैंने सुना ही नहीं। फिर उसने कहा तू गवाही देता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी हैं? तो उसने कहा हाँ मैं गवाही देता हूँ। उसने तीन बार कहा और अपने गवाही दी। उसने कहा तू बड़ा मकार है, जब मेरी बारी आती है तो तुझे सुनाई भी नहीं देता, अपने नबी की बारी सुनाई भी देता है और तू गवाही भी देता है। उसने उसको सजा देनी चाही। अपने सिपाहियों को बोलता है आग जलाओ, इनको आग में जिंदा जला देना है। तो उसके सिपाहियों ने आग जलाई और आग को पकड़कर आग में डालने लगे। तो आपने कहा ठहर जाओ मैं खुद ही आग में चला जाता हूँ। आप खुद ही आग में चले गए। जितनी देर तक वो आग जलती रही आप आग में बैठे रहे, आग बुझ गई लेकिन अबू मुस्लिम खलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सही सलामत बाहर आ गए। आपके जिस्म से जो कपड़े थे जूता मुबारक था, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। तो उसने कहा अगर हमने इसको इधर रखा बादशाह ने तो फिर हमारा झूठ पकड़ा जाएगा, अब इसको मुल्क बदल कर दो। उन्होंने मुल्क से निकाल दिया। हजरत अबू मुस्लिम खलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना तशरीफ ले आए, मदीना मुनव्वरा। तो वहाँ हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आपकी मुलाकात हो गई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता था कि उधर एक ताबी रसूल ने खत्मे नबूवत पर हिफाजत फरमाई है। तो आपने पूछा आप वही हो जो हजूर की खत्मे नबूवत पर हिफाजत फरमा कर आए हो? आपने कहा हाँ। आपने उनकी पेशानी का बोझा लिया और फरमाया आओ तुझे मैं उसकी बारगाह में ले चलूँ जिसका नबी उनके बाद मुकाम है। तो उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे। आप जब उनको लेकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक और तमाम सहाबा ने खड़े होकर आपका इस्तकबाल किया और आपको इतनी इज्जत दी कि अपने और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान बैठा लिया। जब हजरत अबू मुस्लिम खलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि उन्होंने मेरी इतनी इज्जत की है तो हजरत अबू मुस्लिम खलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक
आज मेरे लिए आप दुआ फरमाएं। तो सैयदना सिद्दीक अकबर जिंदाल तौला उन्होंने कहा कि आज हम तेरे लिए दुआ नहीं करेंगे, आज तू हमारे लिए दुआ करेगा, क्योंकि तू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खदे में नबुव्वत की हिफाजत फरमा कर आया है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला उन्होंने अल्लाह तआला का शुक्र अदा किया। अल्लाह तआला का शुक्र अदा करते हुए फरमाया, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इससे पहले मौत ना दी, तो मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे उम्मती की ज़ियारत की जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की हिफाजत फरमा कर आया है। तो जब मुसलमा कज़्ज़ाब जो झूठा था, तो उसका मुकाबला करने के लिए हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिहाद बिल सैफ किया। आपने हुक्म फरमाया अब हजरत अब मुसलमा कज़्ज़ाब के साथ जंग करनी है, तो तमाम सहाबा को हुक्म दिया और किसी सहाबा ने इनकार नहीं किया। हालांकि जो बद्र हुनैन के सहाबा इकराम थे, उनको अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अब ये किसी जंग में शरीक नहीं होंगे, तो उन्होंने भी कोई उधर पेश नहीं किया। उन्होंने कहा ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का जिम्मा है, ये जिम्मेदारी है हमारी, हम जरूर आपके साथ जाएंगे। तो बच्चे भी गए, बूढ़े भी गए, नौजवान भी गए, जो मौजूद थे वो भी गए, और सब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की हिफाजत फरमाई। जब जंग शुरू हुई तो दोनों तरफ से अल्लाह अकबर के नारे बुलंद हुए, तो सहाबा किराम को पता नहीं चल रहा था कि अपने कौन हैं और बेगाने कौन हैं। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आके हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछी, आमिर मोमिन हमें यह बड़ी परेशानी है, पता नहीं चल रहा अपने कौन हैं बेगाने कौन हैं, उधर से भी नारा तकबीर बुलंद हो रहा है, उधर से भी नारा तकबीर बुलंद हो रहा है। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा आप नारे या मोहम्मद लगाओ तो फर्क निकल जाएगा और अल्लाह तआला आपको फतह अता फरमाएगा। जैसे ये नारा बुलंद हुआ तो पता चल गया अपने कौन हैं बेगाने कौन हैं। आज भी ये फर्क निकालने के लिए ये हम कोशिश कर रहे हैं कि पता चल जाए कि अपने कौन हैं बेगाने कौन हैं। नारा तकबीर लगाने वाले मुनाफिक होते हैं। तो जब नारा लगाया तो कामयाबी मिल गई। मुसलमानों ने तकरीबन 274 जंगें लड़ी गई। टोटल जितनी भी जंगें हुई वो 74 जंगें थीं, और उन 74 जंगों में 259 सहाबा इकराम शहीद हुए थे। और ये मुनाफिकों के खिलाफ इतनी बड़ी जंग थी कि जिसमें सिर्फ 360 हिफाज़ इकराम शहीद हुए और टोटल 1200 सहाबा इकराम शहीद हुए। लेकिन सहाबा इकराम ने अपनी जानों का निजामे देकर खत्म नबूवत की हिफाजत फरमाई है। आज हम भी अपनी खत्म नबूवत की जो जिम्मेदारी है उसको निभाने की अल्लाह ताला हमको तौफीक अता फरमाए। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह फतवा जारी फरमाया है कि अगर कोई बंदा नबूवत का झूठा ही दावा करे, वो झूठा तो है ही है, क्योंकि अल्लाह और नबी का फरमान है कि कोई बंदा जिनके अब नबी नबूवत के दरवाजे बंद हो गए हैं, तो अल्लाह और उसके नबी का यह हुक्म है, अब जो बंदा नबी होने का दावा करेगा वो झूठा है, और उससे दलील मांगी जाए बेशक उसको झूठा कहने झूठा करार देने के लिए ही, तो वो बंदा भी उसी लम्हे बेईमान हो जाएगा। तो दलील नहीं मांगनी। जब कहने से चार दिन नबूवत का दावा किया और उसने मुनज़्ज़म तरीके से बहुत ज़्यादा बंदों को लोगों के ईमानों को खरीद कर अपने साथ मिला लिया और बड़ी ही मुसलमानों का पर बड़ी परेशानी